तो गाइज आज कोई वर्कर नहीं दिख रहा होगा आपको, आज होली का दिन है, कोई वर्कर नहीं दिख रहा, सिर्फ एक सिक्योरिटी वाले हैं यहाँ पे हैं बेचारे बैठे हुए हैं। होली का दिन था फिर भी आज ड्यूटी पे लगे हुए हैं, कोई बंदा आज नहीं दिख रहा है, कोई काम नहीं चल रहा है। इसलिए हम लोग भी होली खेल के ही आए थे लेकिन पीपीज नहीं पहने, लेकिन उसके जो सराउंडिंग एरिया उसके अंदर में नहीं जाएंगे हम लोग। तो हेलो गाइज, मैं अब आ गया हूँ जो लॉन्चिंग गैंट्री का आपको वीडियो जो बनाया था, मैं अपडेट उसमें बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि अभी उस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा था उसमें सेगमेंट नहीं लगे हुए थे। अभी उस टाइम क्या हो रहा था कि मेंटेनेंस का काम चल रहा था, जिसमें आपको हुक जो लगे थे, जिसे बोलेंगे आप लिफ्टिंग जो हुक था, लिफ्टिंग जो बीम लगा था, जो आप दिखा सकते हैं, दिखाइए उनको, जूम कर सकते हैं, जूम कीजिए, जो लिफ्टिंग बीम लगा था वो नहीं लगा था। और इसमें क्या था, जो विंच लगे थे, विंच ड्रम, जिसमें केबल जो हैं, जो वायर रोप केबल्स हैं, उसके बारे में बता रहा था। लिफ्टिंग बीम में आप देख सकते हैं, जूम कीजिए, और इसमें लगा होगा फॉल अरेस्टर लगा है, फॉल अरेस्टर इसको बोलेंगे। जब कोई बंदा अगर मान लीजिए सेगमेंट पे खड़ा होता है, ये सेगमेंट कभी कभी जब ऊपर जाता है तो उसके साथ बंदे भी जाते हैं। जब बंदे जाते हैं तो क्या होता है, अगर मान लीजिए सेगमेंट टूट के गिर जाता है फिर बंदे भी साथ में गिरेंगे। इसके लिए उसमें जो फॉल अरेस्टर लगाया रखा है कि जैसे गिरेगा बंदे क्या होंगे, लटक जाएंगे, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि जैसे कोई बंदा, जैसे कि वो सेगमेंट टूटा अचानक से गिरा, फिर क्या होगा, जो बंदा कनेक्ट किया रखेगा तो वो फिर क्या होगा कि उसमें लटक जाएगा, बंदा नीचे नहीं गिरेगा, जिससे उसको चोट नहीं लगेगी। इसलिए उसमें फॉल अरेस्टर लगा रखे हैं, जिसे फॉल अरेस्टर बोलेंगे उसे। और ये जिसमें लगा रखा है इसको बोलेंगे वायर रोप सीलिंग लगेगा, जो कई साहब जो आपको दिख रहा है वायर रोप सीलिंग बोलेंगे उसको। और जो सरिया दिख रहा है, जो सीधा सीधा दिख रहा है वो 40 mm की सरिया है, 40 mm की, जिसकी कैपेसिटी है 120 टन है, उसकी कैपेसिटी है एक सरिये की। उसमें दो सरिया लगा रखा है, जिसमें किसी में एक लगा रखा है, देख सकते हैं आप, जिसमें ये स्पीडर बीम के थ्रू अभी चार सेगमेंट दिख रहा है आपको ना, चार सेगमेंट लगा रखा है, जिसमें मैक अलॉय बार की अलग से जो जिसकी डाया जिसका जैसा रहेगा उसका कैपेसिटी रहता है। अब बता देते हैं आपको ये क्या होगा, इसके बाद जब ये पूरा सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा, वन बाय वन करके ये कंप्लीट करेगा, जो आपका लिफ्टिंग बीम है वही ले आके कनेक्ट करेगा स्पीडर बीम में, वो हैंग रखेगा। अब सब सारे जो है एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जिसमें 19 सेगमेंट का एक स्पेन में जितने आएंगे 19 सेगमेंट आएंगे। सारे सेगमेंट को क्या करने के बाद, उसके बाद क्या होगा, जब एक साथ उठ जाएंगे फिर उसके बाद ड्राई मैचिंग होगा, मींस लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग करने के बाद फिर क्या होगा, उसमें ग्लूइंग करेंगे। ग्लूइंग मींस उसमें एपॉक्सी, जो एक एपॉक्सी का क्या आता है, केमिकल आता है जो उसको सटाने का काम करता है, जिसमें लीकेज वीकेज वाटर प्रूफिंग का एक काम करता है, वो लगाएंगे। उसके बाद एक टेम्पोररी प्री स्ट्रेसिंग करेंगे। स्ट्रेसिंग करने के बाद फिर जब पूरा ग्लू जो आपका पूरा प्रिपेयर्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद परमानेंटली पोस्ट टेंशनिंग करेंगे, जिसमें अंदर डक्ट के अंदर से क्या करेंगे, उसको पोस्ट टेंशनिंग परमानेंट करके छोड़ देंगे। फिर आपका क्या होगा, एक स्पेन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट होता है फिर उसके बाद क्या होगा, ये क्रेन जो है आगे की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। उस सपोर्ट को बोलेंगे, जो ब्लू कलर का सपोर्ट आपको लेग दिख रहा होगा, एक लेग लगा है, उस सपोर्ट को बोलेंगे आपको फ्रंट सपोर्ट बोलेंगे, और इसको बोलेंगे रियर सपोर्ट, रियर लेग सपोर्ट बोल सकते हैं आप। इसमें जैक लगी है, दोनों जो सारे जैक जो हैं 300 mm के जैक हैं, जो पर जैक का जो कैपेसिटी है 200 टन का कैपेसिटी है। एक जैक का कैपेसिटी कितना है, 200 टन का है। फिर क्या होगा, ये जब सेगमेंट कंप्लीट होगा फिर आगे जाएगा मीन्स फिर क्या होगा कि आगे की सपोर्ट लगा रखेंगे। अभी ये क्या है आपका एक्टिव लेग सपोर्ट है, और पीछे में क्या है वो भी एक्टिव है। फिर उसके बाद जब ये आगे जाएगा तो एक और सपोर्ट लगाएंगे वहाँ से, जो इनएक्टिव रहता है लेकिन उसको भी एक्टिव करते हैं। क्या होगा, उसको जब ये सेगमेंट कंप्लीट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, जब आगे जाएगा तो उसी को बोलते हैं ऑटो लॉन्चिंग। क्या बोलते हैं, ऑटो लॉन्चिंग बोलते हैं। और आप वो देख सकते हैं, वो काउंटर वेट लगा है, उधर दिखाइए काउंटर वेट, जूम कीजिए उनको, जो कंक्रीट का क्यूब दिख रहा होगा आपको, कंक्रीट का जो वेट रखा है उसे काउंटर वेट रखेंगे। जैसे कैपेसिटी उसकी बढ़ती जाएगी, उसकी इस पूरे लॉन्च जो लॉन्चिंग एंट्री का कैपेसिटी है 1200 टन के आसपास है बताया जा रहा है, अभी एक्चुअल में कंफर्म नहीं है लेकिन। और उसके बाद जैसे कैपेसिटी बढ़ती जाती है उसमें क्या करेंगे, वो काउंटर वेट बढ़ाते जाएंगे। वो काउंटर वेट ही है, काउंटर वेट में से वो काउंटर का काम करेगा, एक लेबल का काम करेगा, जैसे क्रेनों में बढ़ाया जाता है, ठीक है। यही था एक नॉर्मल बेसिक डिटेल था। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए इस गैंट्री क्रेन से रिलेटेड, लॉन्चिंग गैंट्री क्रेन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। पार्ट वाइज नाम चाहिए तो पार्ट वाइज नाम भी आपको बताऊंगा। आप किसी भी जो भी जानकारी चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यही था बेसिक नॉलेज। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।